जय हिंद दोस्तों, महाराष्ट्र सनसनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अशफाक शेख और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र सनसनी, खबर हमारी आवाज आपकी। कुर्ला में कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आइए हम आपको बताते हैं कि चीज की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहला, ऑफिस जाने वालों को, स्कूल जाने वालों को ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक के मुद्दे पे कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। अवैध तरीके से कुर्ला डेपो से LBS रोड के ऊपर अवैध तरीके से पार्किंग हो रही है, वो पार्किंग के खिलाफ कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। अवैध तरीके से कुर्ला स्टेशन पर इनलीगल तरीके से 4 सीट 5 सीट बिठाकर रिक्शा लेकर जा रहे हैं, मुंह भोला भाड़ा किराया वसूल कर रहे हैं। तो इस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके खिलाफ कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं था। ऐसे में कुर्ला की कई NGOs ने उठाई जनता के लिए आवाज। सबसे पहला उन्होंने मुद्दा लिया ट्रैफिक का। उन्होंने कुर्ला के वाहतूक विभाग के सीनियर ऑफिसर रमेश धसाल साहब से मुलाकात की। उनसे मुलाकात करने के बाद उनको कुर्ला के काफी समस्याओं के बारे में बताया, किस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहतूक विभाग के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रमेश धसाल साहब ने उन्हें आश्वासन दिया कि आप निश्चित रहिए, हर हफ्ते हम आपसे मीटिंग करेंगे और हर एक मीटिंग में आपका एक इशू प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो रमेश धसाल साहब ने काफी चीजों के ऊपर कार्रवाई भी की। अवैध तरीके से रिक्शा जो 4 सीट चला रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई करी, और अवैध तरीके से जो नो पार्किंग के बोर्ड के आगे पार्किंग कर रहे थे, अवैध तरीके से रोड के ऊपर जो लोग पार्किंग कर रहे थे उनके ऊपर भी कार्रवाई हल्की फुल्की लेकिन हो रही है। फिलहाल अभी RTO ऑफिसर कुर्ला स्टेशन पे भी नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सबसे पहला आपको एक मुद्दा हम बता दे रहे कि कुर्ला डेपो से कपाड़िया नगर जाने वाला रास्ता जो काफी एक साल से बंद था, वो रास्ता कुर्ला के RTO ऑफिसर ने कहा कि 3 महीने में खुल जाएगा, लेकिन वो एक साल हो गया अभी तक नहीं खुला। तो अभी कुर्ला के वाहतूक विभाग के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रमेश दसाल साहब को आके कुछ ही दिन हुए हैं, तो हमने उनसे मुलाकात करके बात की कि ये रास्ता काफी एक साल से बंद है तो इसको खुलाया जाए, लोगों को परेशानी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम सबसे पहले ये मुद्दा लेते हैं और इसी को खुलवाते हैं। तो उन्होंने कुर्ला की जितनी भी NGOs थी उनकी बात सुनी, उनकी बात को समझा और उसके ऊपर एक्शन लिया, और आज वो रास्ता खुलने की कतार पे है। जल्द से जल्द वो रास्ता 1 से 2 दिन में आपको खुला हुआ नजर आएगा। आइए जो जो NGO ने इस पर काम करी है, इनसे सीनियर सबसे मुलाकात की है, बात करी है, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी वो क्या बोलना चाहते हैं। कुर्ला डेपो से कपाड़िया नगर जाने वाले रास्ता जो करीबन एक साल से बंद था, उस रास्ते को शुरू करने के लिए कुर्ला की कुछ सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर पहल की। द वॉइस ऑफ कुर्ला के अध्यक्ष बैतुल्ला खान, JB चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक सलाउद्दीन उर्फ JB, जय हो फाउंडेशन के अध्यक्ष अफरोज मलिक, ऐसे और भी कुछ संस्थाओं के अध्यक्षों ने की पहल। कुर्ला में बढ़ती हुई ट्रैफिक को लेकर कुछ NGO ने एक साथ आकर कुर्ला ट्रैफिक पुलिस से बात की, मीटिंग की, और जितनी भी होने वाली कुर्ला में तकलीफें उनको सामने रखा, और कुर्ला स्टेशन पर जो ऑटो रिक्शा वालों की दादागिरी मनमानी जो चल रही है उस पर भी कार्रवाई करवाने का काम किया। दूसरा, कुर्ला डेपो पर जो रास्ते को एक साल से तकरीबन बंद किया गया, उस रास्ते को भी जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। कुर्ला वाहतूक विभाग ने आज उसका सर्वे किया है, MMRDA और BMC वालों को लेकर। हम सभी NGO वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और ऐसी ही हमारा साथ बने रहे ताकि कुर्ला का विकास होता रहे। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, मैं इरशाद खान। आप लोगों को एक जरूरी सूचना देनी थी कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुर्ला में एक ट्रैफिक का सबसे बड़ा मुद्दा है। कुर्ला वॉइस और अन्य संस्था मिलकर कुछ दिन पहले ही ट्रैफिक के सीनियर ऑफिसर से मुलाकात की थी और इस मुद्दे पे बात की थी, खासतौर डिपो और CST रोड के मैटर पर जो बंद है काफी दिनों से। आप लोगों को बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि बहुत जल्द ही जो है एक दो दिन के अंदर ही CST रोड को वापस ओपन किया जा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह से यह बहुत बड़ी जो है कुर्ला के आवाम के लिए एक जीत है। काफी दरपेश मामला यह था कि बच्चों के स्कूल और एम्बुलेंस जैसे मसले बहुत ज्यादा पेश आ रहे थे जिन्हें काफी देर हो रही थी। और कुर्ला कमेटी से मैं अब्दुल करीम से, जैसा कि कुर्ला में रहने वाले लोगों को ये पता होगा, कपाड़िया नगर जाने वाला रास्ता और CST रोड जो BKC सब कनेक्ट करते हैं रास्ते, वो रास्ते को वन वे कर दिया गया, रास्ता बंद था, उसकी वजह से काफी लोगों को तकलीफें उठानी पड़ रही थी। उसको ध्यान में रखते हुए और कुर्ला कमेटी और कुर्ला के कई NGO ने मिलकर हमारे डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने उनसे बात की, और वहां बात करने के बाद एक पॉजिटिव हमें वहां से जवाब मिला और कार्रवाई भी उस पर हुई है, और आने वाले 2 दिन में
ये जो कपाड़िया सीएसटी रोड का जो रास्ता बंद किया गया था इसको खोल दिया जाएगा। इसके लिए हम कुर्ला ट्रैफिक के सीनियर रमेश दसल साहब, डोके साहब और बीएमसी एमएमआरडी सभी का शुक्रिया अदा करते हैं जो इन्होंने इस पे कार्रवाई की। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मैं इब्राहिम शेख, फ्रेंड ग्रुप अध्यक्ष। कुर्ला की बहुत सारी समस्याएं थी ट्रैफिक को लेकर, इलीगल पार्किंग को लेकर और रिक्शा शेयरिंग में जो चार लोग को लेके जाते थे उसको लेकर कुर्ला वातुक विभाग में कंप्लेंट किया। वहाँ के सीनियर से मुलाकात की हमने और हमारे सहयोगी एनजीओज ने उस ऑफिसर से बात करी। उस ऑफिसर ने कहा कि हम जल्द से जल्द आपकी जो भी समस्या है उसको पूरी करेंगे। तो मोस्टली उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया और बहुत सी समस्याएं उन्होंने सुलझाने का काम किया और बहुत सी आने वाले टाइम में बहुत सी समस्याएं सुलझी हुई आपको कुर्ला में नजर आएगी। कुर्ला के 10 संस्थानों ने मिलकर एक होकर कुर्ला के लिए आवाज उठाई। सबसे पहले ट्रैफिक के सीनियर साहब से मुलाकात हुई, उनको कंप्लेंट दी गई कुर्ला में हो रही तमाम अनियमित ट्रैफिक के ताल्लुक से, और एक उसके अंदर खास विषय पर डिस्कस हुआ। पर्शियन दरबार होटल के बाहर सीएसटी रोड गुरुद्वारे के पास जो रास्ता है जो काफी दिनों से बंद है, जो 2-3 महीने का बोल के बंद किया गया था, लेकिन वो तकरीबन 10-12 महीने से बंद है और अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस पे संविधान बचाओ मंच और अन्य संस्थाओं ने मिलकर सीनियर साहब से बात की और उस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्द से उसको खोलने का काम करेंगे। तमाम लोगों के लिए खुशखबरी है कि वहाँ पे सर्वे हो रहा है, वहाँ पे काम किया जा रहा है, रास्ते की साफ सफाई का काम शुरू हो रहा है और बहुत जल्द कुर्ला घर को वो रास्ता वापस से खुलेगा और वापस से उस रास्ते को लोगों को इस्तेमाल करने दिया जाएगा। ये बहुत जल्द होगा और ये हम तमाम लोगों की जीत है, ये पूरे कुर्ला की जीत।